टाउन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे वेलकम थ्री मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देता है कि हमारा वीडियो अब तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना दिक्कत हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हाल में अक्षय कुमार की वेलकम थ्री बहुत ही चर्चा में है। सोशल मीडिया पर चारों ओर इसी मूवी का चर्चा चल रहा है। अक्षय कुमार की पिछले कुछ सालों में रिलीज हुई मूवियों को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, मिशन रानीगंज, ड्राइविंग लाइसेंस, सेल्फी पिछले साल और इसी साल रिलीज हुई कुछ ऐसी मूवी है जिन्हें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और इन सबके बीच ओएमजी 2 ने ठीक ठाक कमाई की थी। वहीं अब जाकर अक्षय कुमार के फैंस की निगाहें वेलकम टू द जंगल पर टिकी हुई है और जाकर ये भी खबर आ रही है कि इस मूवी का डिब्बा बंद हो चुका है। कुछ दिन पहले ही अक्षय कुमार की मूवी खेल खेल में रिलीज हुई, जिसके अगर अब तक के आंकड़े देखे जाए तो फिल्म डिजास्टर साबित हुई है। इसके बाद दिसंबर 2025 में उनकी मूवी वेलकम टू द जंगल की रिलीज डेट है, लेकिन इस मूवी को लेकर हाल ही में अपडेट आया कि अब इस मूवी का काम आगे नहीं बढ़ेगा। ये खबर स्टारकास्ट के साथ ही फैंस के लिए भी किसी झटके से कम नहीं है। वहीं अब मेकर्स ने इनकी सच्चाई बताई है। जियो स्टूडियो के ऑफिशियल चैनल पर से फिल्म का अनाउंसमेंट वीडियो गायब होने के बाद ऐसी चर्चा होने लगी कि मूवी अब नहीं बनेगी। फिल्म पहले भी स्टार के रिप्लेसमेंट को लेकर कुछ विवादों से घिरी है। इसी बीच वीडियो के न होने से वेलकम थ्री फिल्म के ना बनने की खबर तेजी से वायरल हो रही है। इस कड़ी में डायरेक्टर अहमद खान ने बताया कि मूवी को लेकर आ रही है खबर बेकरार और इनमें किसी तरह की सच्चाई नहीं है। अहमद खान ने कहा है कि मुंबई और कश्मीर में शूटिंग का शेड्यूल खत्म हो चुका है और अक्टूबर में इंटरनेशनल मैराथन शूटिंग शेड्यूल शुरू होगा। मेरी टीम वहां पहले हिस्से की शूटिंग के लिए रवाना हो चुकी है। वेलकम टू द जंगल बहुत ही ज्यादा स्टार कास्ट के साथ बनने वाली मूवी है। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन सहित कुल 34 एक्टर इस मूवी का पार्ट होंगे। संजय दत्त भी वेलकम टू द जंगल में एक्टिंग करने वाले थे, लेकिन डेट इश्यू के चलते उन्होंने मूवी से किनारा कर लिया है। और इस मूवी के साथ ही अक्षय कुमार लंबे समय बाद कॉमेडी जेनर मूवी में वापसी कर रहे हैं, तो ये मूवी जरूर आएगी। तो दोस्तों, आप भी ये मूवी देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आगे इस मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर